An under construction bridge on River Ganga collapsed in Bihar's Bhagalpur. Visuals recorded on camera show two parts of the bridge collapsing one after another. The bridge was being constructed with a cost of over 1,700 crores. Chief Minister Nitish Kumar reprimanded the firm tasked with building the Agawani Sultanganj Bridge on River Ganga for its shoddy work. It had suffered some damage way back in April as well last year due to a storm. After the collapse, Deputy Chief Minister Tejaswi Yadav said it was a planned demolition as experts had found serious defects in the design. BJP, however, slammed the Nitish Kumar-led government for corruption in Bihar construction projects and held the Chief Minister responsible for this collapse. Bihar Chief Minister Nitish Kumar said the foundation stone of the bridge was laid years ago and the bridge is still getting constructed. ना होती जा रही है और अच्छी तरह से इसे वेरिफिकेशन करना चाहिए. इसके इंजीनियर हो, ठेकेदार हो, जो ठेकेदार इस तरह से काम करवा रही है, हर बार गिरती जा रही है. जैसे कि 22 तारीख से पहले गिर चुकी है और इसके पहले जैसे संडे थे, घटना तो हो चुकी है. इसके ऊपर जो वर्कर थे गिर के मर चुके हैं, उसको मुआवजा दिया जाएगा चाहे जैसे हो. और इसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा, इसको बढ़िया तरीके से करना चाहिए. हम लोग तो इंतजार में थे कि दिसंबर में चालू उद्घाटन हो जाएगा पुल, लेकिन दोबारा पुल गिर गया. 30 अप्रैल 22 ईस्वी में भी गिरा था, कल 5:30 बजे शाम में फिर गिर गया. कैसा बनाया है, खाली बालू है, गिट्टी का पता नहीं है. उसमें गार्ड इसका दबा हुआ है, उसमें कोई खोजने वाला नहीं है. यही लोकल का गार्ड है जिसके ऊपर ड्यूटी पड़ता है, उसका मोटरसाइकिल उसके ऊपर लगा हुआ है. पुल विभास यादव का भाई है. भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है. आज जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था, हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ. अब जिसको भी दिया गया है जल्दी, अब इतना देर क्यों हो रहा है. और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, एक साल पहले की बात है. अब फिर जब दो हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए. ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी. पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए. और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था. माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था. तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे. यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया, इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए. और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखे और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं. सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए जिससे जान माल की रक्षा हो सके. मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है. दोषियों पर अविलंब सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई. फिर से बिहार में एक बड़ी घटना, अगवानी में भागलपुर में पुल गिरा और निर्माण की स्थिति में. और अगर ये चीज फिर से होता, धोखा बिहार की जनता के साथ. दो सवाल, कैसे बन रहा है बिहार में इतना असुरक्षित पुल, सरकार कहाँ है, ठेकेदार कौन है और कैसे हो रही है ठेकेदारी, और ये काम अब हो रहा है तो बिहार की सरकार को बड़ा जवाब देना पड़ेगा कि बनने के बाद गिरता, लेकिन बनने के क्रम में भी पुलें गिर जा रही हैं और बहुत चिंता का विषय है. बड़े सवाल खड़े हो गए बिहार की सरकार के फंक्शनिंग पर. बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा जवाब देना पड़ेगा ऐसी घटनाओं पर.